जी आज मैं काशी पार्लर से कुछ शॉपिंग करके लेकर आई हूँ अपने पार्लर के लिए, और कुछ चीज़ें आपको पता है कि न्यू चीज़ें काशिफ सर के पार्लर में आ रही है, और डिफरेंट शिमर है, फाउंडेशन है, बेस है, आईज के तो मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट्स हैं। तो कुछ चीज़ें मेरे पास फिनिश हो गई थी और कुछ चीज़ें बस न्यू चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। आपको पता है कि मैं अपने पार्लर में कोशिश करती हूँ कि न्यू चीज़ें अपनी टेक्निक जो है वो यूज़ करूँ, न्यू चीज़ें को इसमें फॉलो करूँ जो सरकाशिफ यूज़ करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं वो दिखाती हूँ आज जो मैंने बाय किया। अच्छा ये एंड देन ये एक एक करके दिखाऊंगी। अच्छा ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन मैंने ज़्यादा मंगवा लिया है, 14 और 19। ये 14 अलग रख देती हूँ, सिर्फ एक एक दिखाती हूँ। एंड 7, ठीक है, ये 3 फाउंडेशन मैंने लिए, 3 फाउंडेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल है, और किस तरीके से यूज़ करना है ये भी बता देती हूँ। अभी मेरे पास क्वेश्चन भी आते हैं कि बेस किस तरीके से यूज़ करते हैं। अच्छा फाउंडेशन जो है इनमें 7 नंबर फेयर टोन में है, ठीक है, और 13 भी यूज़ होते हैं, 13 के पास शॉर्ट था, अभी 3 मंथ बाद आ गई है। ये 7 नंबर है फेयर टोन में, एक मिनट फोकस हो रहे तो ये 7 नंबर है। इसके बाद है 14 भी फेयर टोन में है, नंबर 14। लास्ट जो है ये बड़े मज़े के हैं, बहुत ज़बरदस्त है ये काम की चीज़ है। अगर जिनका पॉलर है मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग ग्लास नहीं लें। ये कलर कैरेक्टर है, ठीक है, मतलब आप ये यूज़ ले लिए, कोई एक भी फाउंडेशन ले लिए आप समझे कि हर कलर बना सकते हैं इस कलर कैरेक्टर पे। काशी का ये है नंबर 19, ठीक है। ये जो मैंने फाउंडेशन लिया और भी मुझे लेने थे, क्योंकि सर से पता है हमारे पास डिफरेंट फेस के डिफरेंट टेक्सचर्स के जो स्किन के कलर चेंज आते हैं, इस वजह से हमें यानी और भी कलर लेने थे, लेकिन जो है इनके पास शॉर्ट थी, सर काशी ख़ुद भी यूज़ करते हैं वो कलर, लेकिन नहीं मिला, कुछ नहीं कर सकते आप। अच्छा ये है आई शेडो बेस, ठीक है, आई शेडो बेस ये समझे कि आप प्राइमर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, सीलर के तौर पे, सही है, सीलर के तौर पे। ये मैंने 2 ले लिया है क्योंकि ये बहुत जल्दी फिनिश हो जाते हैं। और इसके अलावा अच्छा कुछ जो है मेरे पास पैलेट थे, लेकिन आपको पता है मैट एंड मैजिक पैलेट वगैरह थे, इसमें बहुत जल्दी फिनिश हो जा रही थी, तो ये कलर जो है मैंने ये कलर लिए हैं नंबर 43। एंड पैरेट कलर आई लाइक दिस, सो माई फेवरेट कलर ये, ठीक है, ये नंबर 21 है। एंड ऑरेंज मैंने लिया, ऑरेंज मेरे पास फिनिश होने वाले थे, इस वजह से मैंने ले ही लिया, मैंने कहा बाद में कौन जाएगा जब फिनिश बीच में हो जाएगा, तो ये मैंने 33 लिया है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब है गैलेक्सी गार्डन के कुछ मैंने शेड लिए, बहुत सारे शेड मेरे पास रखे हुए हैं, बहुत सारे बहुत ज़्यादा, तो अभी न्यू आए थे तो मैंने यहाँ पे लिया है अर्ली बर्ड मैंने लिया है, और कौन सा ये नेम क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टल कैट, ओके क्रिस्टल कैट है, अर्ली बर्ड है, कैप्टन है, ये 3 मैंने लिए। फ्रोजी कलर में मेरे पास नहीं थे, ये भी सरकाशी के पास न्यू आए, ये अपने ब्राइड पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये भी बस ड्रेस के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। अच्छा मैजिक क्वीन शिमर, ये भी मेरे पास बहुत सारे मतलब सारे कलर मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा चेंज करती हूँ। पिंक में भी थे, ये पिंकिश गोल्डन शेड देता है, पिंकिश भी देता है ये, गोल्डन भी और पीच भी, मतलब तीनों मिक्स है, ये ना बिल्कुल पिंक है ना गोल्डन है ना आपका पीच है, तीनों मिक्स है कलर है ये, ठीक है, ये भी 2000 का, आई थिंक 2000-1800 का। ये सारे जितने भी मैंने आपको दिखाए ना सिर्फ 33000 के हैं। अच्छा इसके अलावा वाइट काजल मेरे पास थे, ग्रीन काजल भी हैं, और ये 2 काजल मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें मैंने लिया है एक पर्पल मैंने सबसे पहले लिया था, काशी की यूज़ भी नहीं हुई, वो बिल्कुल ड्राई हो गई, इसमें अगर थोड़ी सी भी एयर लग गई, हवा लग गई ना, तो बस आपको ज़ाया वेस्ट है ये। अच्छा ये पर्पल है, मैंने ओपन नहीं किया लेकिन आप शेड देखें, ये पर्पल है। एंड
और ये मैंने लिया है कौन सा, हाँ स्काई लिया है मैंने, स्काई लिया है, स्काई ग्रीन है, वाइट भी मेरे पास है तो डेट्स व्हाई मैंने ये कलर लिया। अच्छा फ्रोजी कलर जो है ना, आई मेकअप जो है, मेरी मम्मा ने कहा कि मेकओवर को थोड़ा सा चेंज करो फ्रोजी कलर भी, यानी कि दिन अपनी ब्राइड पे दो लुक थोड़ा सा चेंज करो। तो फिर मैंने डायमंड पाउडर भी लिया है, आई लाइक दिस डायमंड पाउडर, ना कहें इसके बारे में, इतना खूबसूरत ये दिखता है ना। इसके अलावा इसके टेक्सचर इतने मज़ेदार हैं और ये बहुत लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है। इसको मैं खोल रही हूँ, खुल जा सिम सिम, खुल गया, वाओ सो अमेजिंग। देखें ऐसा लग रहा है ना ये जेल फॉर्म है, लेकिन जेल फॉर्म नहीं है, ये डायमंड पाउडर है, ठीक है। आप सीलर के थ्रू इसे लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा है ये, ठीक है। मेरे पास और भी सारे काशी के प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो, सही। अच्छा ये जो है मैंने हाइलाइटर किट है, मेरे पास कंप्लीट फुल किट है, तो मैंने सोचा कुछ चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे। इसकी जो बैक का ये जो वर्क है ना, आई लाइक दिस, ये थोड़ा सा गोल्डन शेड मैंने लिया है, नंबर 6, ठीक है, नंबर 6 है। एंड ये कौन सा है, ये मैंने थोड़ा सा पिंकिश टोन में लिया है, पिंकिश टोन में, खुल जा सन से पिंकिश है, लगा के भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ये देखे चेक करें नज़र आ रहे, यहाँ देखती हूँ, ये गोल्डन में लग रहा है मुझे, मैंने पिंकिश टोन चॉइस किया था, दोनों सिमिलर लग रहे हैं। ओहो चलें देखते हैं, नहीं होगा तो रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न तो खैर करते नहीं है, लेकिन पॉलर में तो कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाएगा, ठीक है। ये सारी हमने आज शॉपिंग की है, छोटी मोटी थोड़ी सी, लेकिन ये इतनी छोटी मोटी थोड़ी सी भी 33,000 के आ गए, और बाकी इंशाल्लाह आप लोग और सारे प्रोडक्ट मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जो मैं पॉलर में भी यूज़ करती हूँ। इसके अलावा आप लोग आएँ हमारे पॉलर विज़िट करें, मेकओवर आपको पता है कि हम सारी चीज़ें ब्रांडेड यूज़ कर रहे होते हैं, इनफैक्ट के 8,000 जो हम ब्राइडल मेकअप लेते हैं विथ रिजनेबल प्राइस, बिल्कुल हाई अमाउंट नहीं है, 8,000 ब्राइडल मेकअप, इतने अच्छे बड़ी ब्रांड से वर्क हम करते हैं इतने कम प्राइस में, कोई नहीं करता, कोई भी नहीं, अगर कोई कर भी रहा है इतने मुझसे ज़्यादा कम प्राइस में, तो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये सबके रेट निकाला जाए ना, इसमें कोई भी बजट नहीं निकलता, जाहिर सी बात है आपके पास वर्कर, आपको उनको पेमेंट देनी होती है, इसके अलावा आपकी प्रोडक्ट्स के सामान के जो पैसे हैं वो लगते हैं, आपकी मेहनत है, इलेक्ट्रिक खर्च है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी चीज़ आप लोगों को कहीं मिलेगी। आप लोग काइंडली एक दफ़ा आएँ, विज़िट करें, अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं मेकअप, तो एक दफ़ा वैसे किसी क्लाइंट को पसंद आ जाता ना, तो वो दोबारा कहीं नहीं जाते, इनफैक्ट कि एक क्लाइंट से मेरे पास जो है ना डबल डबल क्या ट्रिपल यानी कि क्लाइंट लेकर आते हैं। तो ये सारी शॉपिंग आज करने की, टाइम लग गया इसी में कलर चॉइस करने में, बाकी के जो है इंशाल्लाह मैं फ्री होंगी तो सारे प्रोडक्ट मैं निकालूंगी, उसके बाद आप लोगों से शेयर करूंगी क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या यूज़ करती हूँ काशी के अलावा, और कौन कौन से ब्रांड है मेरे पास, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। सो इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है, खुदा हाफिज़।